आप लोगों को ख्याल करना चाहिए कि आप में निष्काम भाव कितना बड़ा है। अगर आप में स्वार्थ बुद्धि का त्याग अधिक से अधिक बढ़ता है तो समझना चाहिए कि हम उतने ही दिनों दिन परमात्मा के नजदीक पहुंचते चले जा रहे हैं। अगर आप में वही काक बुद्धि भेदभाव है तो समझना चाहिए कि अभी हमारा पतन हो रहा है, भगवान के मिलने में भी अटकाव है। किसी ने है ठीक ही कहा है, काक पढ़ायो पिंजरे, पढ़ भया चारों वेद, समझाए समझो नहीं, रहयो ढेड़ कुढ़ेड़। अगर आप लोगों की इसी प्रकार की दशा बनी रही तो आगे चलकर आपको भारी दुर्गति का सामना करना पड़ेगा। आपके पास ऐसी कोई भी जोरदार ताकत नहीं है जो कि उस भविष्य में होने वाली दुर्दशा का सामना कर सके। यह बातें अभी से सोचने की हैं। जब मरने की घड़ी नजदीक आ जाएगी फिर क्या आप सोच सकते हैं? मान लीजिए आपको अगर हैजे की बीमारी हो गई और कल शरीर खत्म हो जाता है तो फिर आप अपनी आत्मा के कल्याण के संबंध में सोचने का कहां मौका पा सकते हैं? इसलिए जब तक आप जीवित हैं, यह शरीर आपका कायम है, तब तक आप लोगों को जो भी कुछ सोचना समझना हो वह सोच समझ लीजिए। और देखना चाहिए कि हम लोगों में व्यक्तिगत स्वार्थ की मात्रा जितनी पहले थी वही है कि उसमें सुधार होकर कम हुई है। और अपने साधन को बराबर तोलते रहना चाहिए कि आज से 3 साल पहले हमारे साधन की क्या स्थिति थी और पिछले साल उसमें क्या सुधार हुआ और इस साल हमने उसमें और क्या उन्नति की। इस प्रकार अपने आप साधन को विवेक के कांटे से तोलते रहना चाहिए। आप लोगों को अपनी इतनी उन्नति कर लेनी चाहिए ताकि आप अपने लक्ष्य स्थान तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। आप लोगों की वर्तमान में जिस प्रकार की साधन की धीमी चाल है इससे तो इस जन्म में उन्नति होना, कल्याण होना असंभव है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। आपकी साधन की चाल बहुत ही धीमी है, इसलिए चाल बहुत तेज जोरदार होनी चाहिए, अन्यथा बहुत भारी खतरा है। उस खतरे में साथ देने वाला आपके पास कोई भी साथी नहीं है और दूसरे माँ बाप, भाई बहन, पुत्र स्त्री व मित्रों के साथ देने की तो आप बात ही भूल जाइए। आपका यह शरीर जिसमें आपका इतना स्नेह है यह भी आपका साथ नहीं दे सकता। आपको ये बड़ी दामी बातें बतलाई गई हैं, इसलिए आप लोगों को यह बात कहने से पहले मैंने आपसे कहा था कि आप ध्यान देकर सुने। अब पूछा जाना स्वाभाविक ही है कि फिर ऐसा कौन सा साधन करें जिससे हमारी आत्मा का जल्दी से जल्दी कल्याण हो जाए। भगवान को प्राप्त करने का सबसे बड़ा साधन है भगवान की हरदम स्मृति, भगवान को हर समय याद रखना। इस साधन से बढ़कर और दूसरा कोई भी साधन नहीं है। भगवान के स्वरूप को आपने जिस प्रकार का अपनी बुद्धि से सोच समझकर मान रखा है उस भगवान के स्वरूप को हर समय याद रखना चाहिए। दूसरों की बुद्धि में भगवान का जो स्वरूप सूक्ष्म या सूक्ष्मतर है वह आपके लिए कोई महत्व नहीं रखता। आपने अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान के स्वरूप को जैसा भी समझा है उसको यही मानना पड़ेगा
कि वह ठीक समझा गया है। भगवान के स्वरूप को समझने में आपके द्वारा जो कोई कमी, गलती या भूल होगी, उसको सुधारने की जिम्मेदारी आप पर नहीं है। वह जिम्मेदारी तो भगवान की है। उस समझ की तो कमी भगवान स्वयं पूर्ण कर सकते हैं। आपने तो भगवान के स्वरूप को अपनी बुद्धि से जैसा समझकर निर्णय किया है, वही भगवान के स्वरूप का ध्यान आपको भगवान की प्राप्ति यानी आपकी आत्मा का कल्याण कराने में सर्वथा सरल हो सकता है। शायद आप ऐसा भी पूछ सकते हैं कि भगवान के स्वरूप को हमने अपनी मोटी स्थूल बुद्धि से जैसा समझा है, उसकी अपेक्षा जो एक बहुत बड़ा विद्वान, बुद्धिमान, शास्त्रों का मर्मज्ञ है, वह अपने शास्त्राभ्यास के द्वारा बनाई गई सूक्ष्म बुद्धि से भगवान के सूक्ष्मतर स्वरूप को जैसा समझा है, वैसा हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते। तब ऐसी हालत में हमारी अपेक्षा, जिसने भगवान के सूक्ष्म स्वरूप को शास्त्राभ्यास आदि से समझा है, निश्चय ही उसकी भगवत प्राप्ति शीघ्र होगी और हम लोगों की भगवत प्राप्ति में विलंब होगा, क्योंकि हमने भगवान के इस सूक्ष्म स्वरूप को वहां तक समझा ही नहीं। तो बतलाया जाता है कि ऐसी बात कभी नहीं माननी चाहिए। मान लीजिए कि एक विद्वान है, शास्त्रों का मर्मज्ञ है, उसने अपनी शास्त्राभ्यास सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा भगवान के सूक्ष्म स्वरूप को समझा है, लेकिन समझकर भगवान के उस स्वरूप की वह उपासना नहीं करता। और एक दूसरा साधक है, वह बेचारा विशेष बुद्धिमान भी नहीं है और शास्त्रों का मर्मज्ञ भी नहीं है, वह भगवान के उस सूक्ष्म स्वरूप को भी नहीं समझ सका है। उसने तो केवल मात्र भगवान श्री राम, श्री कृष्ण आदि के अवतारों के चित्रों को देखा है, अथवा मंदिरों में जाकर राम, शिव, कृष्ण आदि की मूर्ति को देखा है और उनको ही भगवान का वास्तविक स्वरूप समझकर उनकी उपासना करता है। तो निश्चय ही यह उस विद्वान मर्मज्ञ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, क्योंकि वह अपनी मोटी बुद्धि से ही सही समझकर भगवान के स्वरूप की उपासना तो करता है ना, वह तो उपासना भी नहीं करता। इसलिए उपासना करने वाला ही श्रेष्ठ है, क्योंकि एक विद्वान, शास्त्र मर्मज्ञ, समझदार आदमी अपनी सूक्ष्म पैनी बुद्धि के कारण भगवान के उस सूक्ष्म स्वरूप को समझकर भी अगर भगवान के उस स्वरूप में उसकी प्रीति नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो उसका समझना बेकार है, उसके समझने में धूल है। लेकिन दूसरा एक साधक अपनी मोटी बुद्धि से भगवान के स्वरूप को सूक्ष्म नहीं समझ सकने के कारण जैसा भी उसने समझा है, उस थोड़ी सी ही समझ से अगर उसमें विश्वास, श्रद्धा एवं प्रेम है, तो उसका कल्याण हो सकता है। और सिद्धांत से भी यही बात समझ में आती है, क्योंकि विद्वान ने अपनी सूक्ष्म बुद्धि के कारण भगवान के उस सूक्ष्म स्वरूप को समझा है, लेकिन उसका भगवान में प्रेम नहीं है, इसलिए उस स्वरूप को समझने पर भी वह उपासना नहीं करने के कारण आगे नहीं बढ़ सकता। वहीं उसकी उन्नति रुक जाती है, आगे बढ़ने की गुंजाइश उसमें नहीं है, श्रद्धा प्रेम के अभाव के कारण। जैसे एक आदमी को किसी जगह जाना है, उसने अपने निश्चित स्थान पर जाने का रास्ता तो समझ लिया है, लेकिन रास्ते को पकड़कर उस रास्ते पर चलता नहीं है, तब वह
किसी भी प्रकार अपने लक्ष्य स्थान पर पहुंच ही नहीं सकता। एक दूसरा भाई है, उसने अपने लक्ष्य स्थान का रास्ता समझा तो है, लेकिन वह रास्ता बड़ा विकट है। रास्ता विकट होने पर भी वह अपने रास्ते को तय करने के लिए उस रास्ते पर चल पड़ता है, तो वह निश्चय ही देर सवेर अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। लेकिन जो वहां तक पहुंचने का प्रयत्न ही नहीं करेगा, वह वहां पर किस प्रकार पहुंच सकता है? किसी प्रकार भी नहीं पहुंच सकता। यह एक सूक्ष्म एवं सिद्धांत की बात है।